हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत स्नेह मिल रहा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा आभार मैं व्यक्त करूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत आज चल रही है, चलो सीखते हैं अंग्रेजी में बातचीत करना। इस ग्रुप की बातचीत चलेगी। 7 क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास 8 चल रहा है। आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों हैज टू और हैव टू का प्रयोग। बहुत ज्यादा यूज में आने वाली ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव टू लगता है प्लूरल के साथ, आई के साथ, यू के साथ, और हैज टू लगता है सिंगुलर के साथ, एक वचन का कर्ता जैसे ही, शी, राम, बॉय इत्यादि के साथ। ये सहायक क्रियाएं कई हिंदी पैदा करती हैं। मुख्यतः दो आप समझ लीजिए, पढ़ता है, ये मजबूरी का भाव इससे पैदा होता है, पढ़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, या इस तरह का भाव भी, जाना है, खाना है, अगर अनिवार्यता का भाव हो, अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन हो, उसमें भी बच्चों हैज टू और हैव टू लगता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं, 98% लगभग, 90% सॉरी। उसका एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ग्रामर पोर्शन में आप जाइएगा, मैंने सेंटेंसेस के प्रकार और उनके फार्मूले बहुत विस्तार से बताए, आप प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर नॉट और सब्जेक्ट आता है और सहायक क्रिया ऐसे दो शब्दों की होती है तो उनको बीच में लगाते हैं, जैसे नॉट को और सब्जेक्ट को हैज और हैव, हैज या हैव और टू के बीच में लगाएंगे। चलो अब बातचीत के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं कि इनको कैसे यूज करते हैं। दो दोस्त हैं, टिल्लू और बिल्लू, ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा बोलने में, हंसी आई। ये चार फ्रेजेस लिखे हुए फ्रेजल वर्ब्स हैं। टू लगा के लिखी जाती हैं, टू डू द डिशेस बर्तन मांजना, टू डू द वॉशिंग कपड़े धोना, टू डू द क्लीनिंग सफाई करना, और टू डू द कुकिंग माने खाना पकाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, इन्हीं का यूज करके बातचीत करवाऊंगा। टिल्लू बिल्लू से पूछ रहा है, क्या तुमको बर्तन मांजने पढ़ते हैं? जब भी कोई वाक्य से चालू होता है उसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये दो शब्दों की सहायक क्रिया हैज टू और हैव टू, तो ये ऐसे कहेगा वो टिल्लू बिल्लू से, बिल्लू हैव यू टू, देखो यू बीच में आ गया, हैव यू टू डू द डिशेस, हैव यू टू डू द डिशेस, इसका मतलब क्या तुमको बर्तन मांजने पड़ते हैं? बिल्लू कह रहा है हां मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं। यस टिल्लू, आई हैव टू डू द डिशेस। यस ये कह रहा है, यस टिल्लू आई हैव टू डू द डिशेस। देखो जब भी इनका यूज करना, ये टू केवल हिंदी लिखने काम आता है, यहां से आप यूज करना, ठीक है। अब बिल्लू टिल्लू से पूछ रहा है, कुछ मिक्स वाक्य डाल लेते हैं, क्या आजकल तुम रोज कोचिंग जा रहे हो? परेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आर यू अटेंडिंग द कोचिंग एवरी डे, आर यू अटेंडिंग द कोचिंग एवरी डे। बिल्लू कह रहा है हां मैं रोज कोचिंग जा रहा हूं, यस आई एम अटेंडिंग द कोचिंग एवरी डे। अब गो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल जाना, ऑफिस जाना, कोचिंग जाना, इन सब जगह पर अटेंड वर्ब ज्यादा अच्छी है, ओके? तो वो क्या कह रहा है, यस आई एम गोइंग, आई एम अटेंडिंग द कोचिंग एवरी डे। फिर टिल्लू पूछता है, क्या तुमको रोज कपड़े धोने पड़ते हैं? टिल्लू पूछेगा, हैव यू टू डू द वॉशिंग एवरी डे, हैव यू टू डू द वॉशिंग एवरी डे। बिल्लू नकारात्मक जवाब दे रहा है, बिल्लू कह रहा है नहीं नहीं मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। बिल्लू कहेगा नो 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 आई हैव नॉट टू डू द वॉशिंग, आई हैव नॉट टू डू द वॉशिंग एवरी डे। इसमें आपको कुछ और नहीं लगाना है, कपड़ों के लिए कुछ नहीं लगाता है, डू द वॉशिंग का मतलब ही कपड़े धोना, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे जाएगा, नो आई हैव नॉट टू डू द वॉशिंग एवरी डे। आगे टिल्लू ने पूछा बिल्लू से, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 6 गोल्डन टेंसेस हैं, याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी तीनों इंडेफिनिट, दो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट,
परसेंट परफेक्ट टेंस, ये छह गोल्डन टेंस है बच्चों, इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, काफी अंग्रेजी आपको बोलना आ जाएगी, काफी अंग्रेजी, ओके। इन वीडियोस को रेगुलर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द सिखा रहा हूं। फिर टिल्लू पूछता है, टिल्लू कहता है बिल्लू से, कल मैंने अपने कमरे की सफाई की थी, इसी से बनाऊंगा, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। टिल्लू कह रहा है आई डिड द क्लीनिंग, डू का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, आई डिड द क्लीनिंग ऑफ माई रूम यस्टरडे, I did the cleaning of my room yesterday. फिर बिल्लू कहता है क्या तुम हर सप्ताह अपने कमरे की सफाई करते हो, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, दो बार डू आ जाएगा, एक डू सहायक क्रिया है, अगली डू मुख्य क्रिया है, वो कहेगा डू यू डू द क्लीनिंग ऑफ योर रूम एवरी वीक, ये कह रहा है बिल्लू, डू यू डू द क्लीनिंग ऑफ योर रूम एवरी वीक। टिल्लू कह रहा है क्या बात कर रहे हो, What are you talking? What are you talking का मतलब क्या बात कर रहे हो, मैं रोज अपने कमरे की सफाई करता हूं, I do the cleaning of my room every day. I do the cleaning of my room every day. ये कहेगा। इसके बाद आगे बात चालू हो रही है, टिल्लू पूछ रहा है बिल्लू से क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, तो वो कहेगा मिस्टर बिल्लू विल यू कम, चलने के लिए बेटा गो कभी ना लगाना, कम होता है, और विल से भी बना सकते हैं और वुड और भी अच्छा, अगर किसी इंसान की इच्छा पूछनी हो तो वुड लगाया करो। वुड यू लाइक टू कम टू मूवी, देखने के लिए कुछ मत लगाना, वुड यू लाइक टू कम टू मूवी विथ मी, इसका मतलब है क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, फिर सुनो आराम से, वुड यू लाइक टू कम टू मूवी विथ मी, वुड यू लाइक टू कम टू मूवी विथ मी। बिल्लू कहेगा नहीं नहीं आज मैं व्यस्त हूं, नो नो I am busy today. मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, इंपॉर्टेंट वाक्य लिख लेना, आई हैव टू, अगर कहीं पे भी इस तरह का शब्द आ जाए ये करना है और उसमें ऑब्लिगेशन हो तो हैज टू, हैव टू, आई हैव टू, निपटाने को अटेंड कहते हैं, अटेंड, आई हैव टू अटेंड टू एक महत्वपूर्ण काम, इसकी इंग्लिश होती है एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, PIECE, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। तो बिल्लू कहेगा टिल्लू से आई हैव टू अटेंड टू एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क टूडे। टिल्लू कह रहा है बिल्लू से कोई बात नहीं, लिख लो नेवर माइंड, NEVER और नेवर MIND माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं, मैं सुरेश के साथ चला जाऊंगा, आई विल गो विथ सुरेश, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल गो विथ सुरेश। इसका दूसरा पार्ट तुरंत मैं इसके बाद शूट करूंगा, उसको भी देखिएगा, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे ध्यान से आपको वाक का निर्माण आ जाएगा और फिर अंग्रेजी बोलने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, गुड नाइट।